जला मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान में सेवेंटी टू 75 परसेंट मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स फीमेल्स हैं जबकि 10 टू 15 परसेंट जो है वो प्रैक्टिसिंग फीमेल डॉक्टर्स हैं इस केस में क्या फीमेल्स को इनक्रेज करना चाहिए कि वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखें और मेडिकल फील्ड्स चूज़ करें या फिर उनको कहना चाहिए कि वो ये फील्ड चूज ना करें क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली वो बाद में इसको छोड़ देंगी फैमिली की वजह से इसके अलावा उनकी सीट पर गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी होती है तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे बिल्कुल मैं एग्री करूँगी इससे मैं, मैं जिस बैच में थी हमारे बैच में टू हंड्रेड एंड एटी स्टूडेंट थे आई थिंक और उसमें से यानी ज़्यादा वो बॉयज थे टू हंड्रेड प्लस और हम थोड़ी सी लड़कियां होती थी और उसके बाद उसके मेरा ख्याल में विद इन वन और टू सिनेरियो टोटल चेंज हो गया ओपन मैरिट हो गया ज्यादा फीमेल्स आना शुरू हो गई मैं उस वक्त भी कहा करती थी हालांकि मैं कोई रिलीजियस नहीं थी उस वक्त ऐसी लेकिन मैं कहा करती थी कि दिस इज़ अ रॉन्ग मूव इसलिए कि आई ऑलवेज बिलीव्ड बिलीव फीमेल्स को ज्यादा घरों को टाइम देना चाहिए और हाँ अपने टैलेंट और पोटेंशियल के मुताबिक जो कुछ वो मैनेज कर सकती हैं उनको जरूर करना चाहिए बहुत सी फीमेल्स नहीं कर पाती हैं मैं तो समझती हूँ कि ओपन मेरिट नहीं होना चाहिए और हमने मर्द को निकम्मा बना दिया औरतें कमा रही हैं हर दूसरे दिन कोई ना कोई फीमेल मुझे कॉन्टेक्ट करती है और वो कहीं कही ना कहीं से अब्यूज़ हो रही है और उसमें एक बहुत बड़ा अब्यूज़ ये है कि जी मर्द घर में बैठे हैं वो कहते हैं मुझे नौकरी नहीं मिल रही मुझे काम नहीं मिल रहा या थोड़ा सा काम करते हैं इन्जॉय करते हैं औरत घर भी संभाल रही है प्रोफेशनली भी कमा के ला रही है हस्बैंड जो है वो दूसरों को दिखा रहा है कि देखो जी मैं अपनी बीवी को कितना खुश रख रहा हूँ लेकिन अंदर से सारे पैसे वो बीवी खर्च कर रही है सब कुछ वो बीवी के एक्सपेंस पे हो रहा है तो हम खुद अपने लिए ये गलत रास्ते जो है ना वो निकालते चले जा रहे हैं Uh, तो आई होप कि आई विश कि किसी को ये समझ आ जाए और दूसरा ये कि ये मेरे जमाने में क्या होता था कि बच्चियों को पढ़ाया जाता था जब मैं यंग थी बच्चियों को पढ़ाया जाता था और उसमें से जो कोई आउटशाइन करती थी उसको ये ऑप्शन दी जाती थी कि जी आप डॉक्टर बन जाएं ठीक है लेकिन अब तो क्या है हर लड़की को हमने ये सिखा दिया है कि तुमने कुछ ना कुछ बनना है और उसको पहले से बता दिया कि चांसेस ये हैं कि या तो तुम्हारी तलाक हो जानी है या तुम्हारी शादी नहीं होनी है या तुम्हारी शादी बड़ी अब्यूजिव होनी है तो तुम्हें अपने पांव पे खड़े होना है नहीं हमारे जमाने में कभी ये नहीं कॉन्सेप्ट दिया जाता था कि बेटा अपने पाओं पे जरूर खड़े होना है जरूर कुछ ना कुछ करना है हमें बस ये बताया जाता था कि जी इफ यू आर यू हैव द पोटेंशियल तो फिर तुम प्रोफेशनल बन जाओ इसलिए कि प्रोफेशनल um, की भी हमें जरूरत है तो लिमिटेड नंबर ऑफ गर्ल्स वुड बी एंट्रिंग इन टू प्रोफेशनल कॉलेजेस एंड द रेस्ट ऑफ दैम वो बी करती थी या थोड़ा बहुत वही कढ़ाई सिलाई और इस तरह काम करती थी तो अभी भी आई फील के uh, जो बहुत आउटस्टैंडिंग होते हैं ना मैं कई लड़कियों को जानती हूँ चार चार दफा जी एग्ज़ाम्स रिपीट कर रही हैं नंबर नहीं आ रहे रो रही है और जो फिर colleges, medical, medical colleges, कई जो है, कुछ का तो बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है लेकिन कुछ का बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं है स्टूडेंट्स पढ़ते भी नहीं है इतने माँ बाप इतनी फीसें दे रहे हैं तो इट्स इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन ये है कि लोग ज्यादातर ये कहते हैं जैसे आई ऑल्सो मेरे पेरेंट्स दोनों जो हैं वो वर्किंग हैं तो आई गेस बचपन में मैंने शायद उस चीज को बहुत फील किया है कि कोई एक ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए इमोशनली अवेलेबल अगर दोनों ही काम करते रहेंगे तो वो आपको फिर कम्युनिकेशन uh, गैप होता है और वो चीज़ आपकी फिर बिल्डअप नहीं हो पा रही होती तो इसके बारे में गाइड कर दें और दूसरा एक और चीज मैं पूछना चाह रही थी कि जो औरतें विलिंगली घर बैठना चाह रही और मतलब करियर लाइफ से साइड पे होना चाह रही हैं उनको बहुत डिग्रेड किया जाता है कि तुम नहीं कर रही हो तो तुम कोई बहुत गलत काम कर रही हो तो तुम अपने आप को ज़ाया कर रही हो या तुम ना नाशुक्री कर रही हो तो ये मतलब कोई सही अप्रोच है क्योंकि लड़कियां आप देखें अगर कोई विलिंगली कर रहा है यानी विलिंगली कह रहा है कि मैं अपने बच्चों को ज्यादा टाइम देना चाहती हूँ इससे थोड़ा सा साइड पे होना चाहती हूँ करियर को या थोड़ा कम करना चाहती हूँ तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम मतलब सोसाइटी बहुत ज्यादा उस पड़ती है हाँ जी बिल्कुल करती है आपने बिल्कुल एब्सोल्युटली सही बात की है कि आपको बार बार एहसास दिलाते हैं तुम कुछ नहीं करी तुमने सीट जाए की तुमने ये नहीं किया तो मैंने तो ये बहुत सुना है प्रोफेशनल से ऑल दीज इयर्स अब जाकर मेरी कोई ऐसी स्टैंडिंग हुई है कि प्रोफेशनल्स भी मुझे सुन लेते हैं और दीनी लोग भी मुझे सुन लेते हैं तो नहीं तो लोगों ने तो बहुत ही ज्यादा आपको वो कॉर्नर भी किया होता है और ट्रॉमेटाइज़ भी किया होता है बट वही बात है दिस इज योर चॉइस आप क्या करना चाह रहे हैं uh, मैं भी इस बात पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए किसी सूरत में तैयार नहीं हूं क्योंकि माय पेरेंट्स हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद मी एंड माई सिबलिंग्स एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू देम फॉर वट एवर दे हैव डन उन्होंने बहुत स्ट्रगल की अपनी जिंदगी में उसमें उन्होंने हम पे बहुत तवज्जो दी यानी इतनी तवज्जो दी डिस्पाइट द फैक्ट के उनका अपना एक प्राइवेट सेटअप था जिसमें वो जाते थे इंगेज होते थे लेकिन उनका एक ड्रीम होता था हमारे बच्चे ये ये करें और मेरी अम्मी को तो अभी भी बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हें की खवाया है अपने बच्चे उन्होंने और मेरी अम्मी कहती हैं कि बस मैं जब भी नमाज पढ़ती थी यानी जो नमाज पढ़ती थी अपने करियर के साथ मैं हर एक में दुआ मांगती थी कि अल्लाह ताला मैं घर से बाहर निकली हुई हूं और मैं प्रोफेशनल हूं तो मेरे बच्चों को अपनी हिफाजत में रखना ठीक है मुझे कभी कोई ये ना मेरे पे फिंगर पॉइंट ना करे कि तुम्हारा बच्चा कैसा है और उन्होंने हमें हलाल खिलाया तो यानी देखिए ना कितनी इम्पोर्टेंट लर्निंग्स होती हैं जो हम अपने माँ बाप से लेते हैं लेकिन ये जरूर होता है कि जब वो प्रोफेशनल होते हैं तो आप उनको मिस करते हैं बहुत सारे आपके मोमेंट्स में अवेलेबल नहीं होते हैं वहां पे मौजूद नहीं होते मैं अपने बच्चों को भी कहती हूँ कि वन थिंग आई फील वेरी मतलब मैंने जैसे अपना जब करियर स्टार्ट किया शादी हुई तो मैंने क्लैरिटी से अपनी फैमिली को बता दिया था कि मैं शाम को क्लिनिक नहीं करूंगी मैं शाम को अपने बच्चों के पास रहूंगी इला माशाला कभी कोई इमरजेंसी वैसी हुई है तो मैं गई हूँ नहीं तो मैं हमेशा चार बजे के बाद आई हैड स्टेट होम विथ माई किड्स और अगर मैं उसके बाद कहीं पे भी गई हूं तो मैं अपने बच्चों को साथ लेकर गई हूं। जब तक अब बड़े नहीं हो गए तो अब मैं चले निकल जाऊं या अपना कोई काम कर लूँ मैंने बहुत ज्यादा एक लाइन ड्रा की हुई थी कि नहीं बिकॉज मुझे याद है कि मैं जब शाम को अकेली बैठी होती थी तो मुझे बहुत डिप्रेशन होता था हालांकि मैं कहती हूँ मेरी अम्मी की कोई और एक्टिविटी नहीं थी क्लिनिक और हम क्लिनिक और हम और कई दफा वो रात को अगर आ जाती थी जल्दी या उनको कभी गिल्ट होता था कुछ दिन के मैं बहुत बिजी रही हूं तो वो फिर हमें कभी शॉपिंग कराती थी फिर इसी तरह हमें चीजें ले लेके देती थी हमारी पढ़ाई पे तो देती थी और इसी तरह हमें मैनर सिखाया करती थी यानी कि शी ट्राइड टू डू हर लेवल बेस्ट लेकिन वो नहीं कर सकता इंसान ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होता इसीलिए मैंने सोचा था शाम को नहीं मैंने बिल्कुल भी काम करना और मैं अपने बच्चों को कहती हूँ एक चीज जो मैं हमेशा मिस करती थी बिकॉज आई यूज टू कम होम बाई फोर तो मेरे हस्बैंड बच्चों को लेकर घर आते थे और मेरे आने तक ये लोग लंच कर चुके होते थे तो मैंने वीक डेज में कभी भी अपने बच्चों के साथ लंच नहीं किया और कभी कभार अभी भी कभी हो ना कोई स्ट्राइक है रास्ते बंद हैं और मैं क्लिनिक नहीं जा सकती तो मेरे बच्चे इतने खुश होते हैं हालांकि इतने बड़े हो चुके हैं दे आर लाइक आज आप घर में हैं और हमें बड़ा मजा आ रहा है हमें बड़ा अच्छा लग रहा है और कभी कभी ये भी कह देते हैं आज आप घर में क्यों हमें अजीब सा लग रहा है ये सारी बातें तो सफरिंग्स की थोड़ी थोड़ी साथ रहती हैं इनको एक्सेप्ट करना चाहिए और किसी और तरीके से इनको कंपनसेट कर देना चाहिए अपनी फैमिली के लिए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउस में फोर फाइव ही हाउस ऑफिसर्स होते हैं एक डिपार्टमेंट में और मेल फीमेल हाउस ऑफिसर्स और पीजीस में फ्रेंकनेस भी होते हैं थर्टी और कॉल के दौरान अक्सर बाहर जाकर खाना खाते हैं या ऑर्डर्स करते हैं ऐसे में एक पर्दा करने वाली लड़की कैसे ये इमेज बनाए कि उसे कोई ऑफर ही ना करे सबके साथ जाने में और अगर उसे कोई ऑफर करे तो वो क्या करे और इसी से मैम रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि मेल फीमेल इंटरक्शन में कहा लिमिट लगानी है और किस हद तक इजाजत है देखिए मेल फीमेल इंटरक्शन में आपने जो जरूरी बात है वो आपने कर लेनी है मसलन कोई खाने के लिए जा रहा है तो आप कह सकती हैं कि आल स्टे बैक और आप मेरे लिए ये खाना ले आना अपने पैसे दे दें दे और अपना खाना मंगवा लें कभी कभार अगर कोई बहुत इंसिस्ट करे और दो चार फीमेल्स और मौजूद हैं अगर समझती हैं कि वो एक कोई सेंसिबल गुफ्तगु करेंगी तो आप जा सकती हैं और आपकी फैमिली भी इजाजत देती है लेकिन बेस्ट ये होता है कि आप पहले से एक लाइन ड्रॉ कर लें और उसमें ये होता है कि बहुत खुश मिजाज नहीं नजर आना चाहिए एक प्लेजेंट तरीके से लेकिन डिग्निफाइड तरीके से आप इनकार करते हैं आप कहें कि एक्चुअली मैं इसको प्रोपरीट नहीं समझती और अगर कोई कहता है कि आप बहुत रिजिड हैं ये आपके आप जो मर्जी समझ लें लेकिन मेरे लिए कुछ प्रिंसिपल्स हैं एंड आई होल्ड ऑन टू माई प्रिंसिपल्स और बस और इसके अलावा ये कि आप उनको ऐसे अपॉर्चुनिटी जरूर देते रहें लर्निंग की अगर आपको दीन का ज्यादा पता है तो फिर उनको सिखाने के लिए जैसे होता है ना कि कोई मॉर्निंग uh, कॉन्फ्रेंस होती है तो कभी कभार उसमें कोई आप लेक्चर रख सकते हैं कभी कोई टॉक रख सकते हैं इसी तरह से जो भी आपका सब्जेक्ट हो जो आप पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई मेडिकल एथिक्स एंड इस्लाम को ला सकते हैं इस किस्म की बहुत सारी एक्टिविटीज जनरेट करें कि पीपल स्टार्ट लुकिंग अप टू यू यानी आप अपने आप को थोड़ा वाइजर शो करें वहां पे जब आप अपने आप को वाइजर दिखाते हैं तो फिर लोगों का भी दिल चाहता है प्लस आपके पास ऑल फीमेल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी कुछ होनी चाहिए जिसमें वो वाली लड़कियाँ भी जो कि लड़कों के साथ खुलती मिलती ज़्यादा हैं उनको ये नज़र आए कि यू नो व्हेन दे आर अलोन विद यू सो यू आर जॉली यू आर मोर इंटरेक्टिव आप ज़्यादा अच्छी तरह बातचीत करते हैं मुझे याद है जो मैं मेडिकल कॉलेज जाती हूँ तो एक दफ़ा तो कुछ एक बैच था लड़कियों का क्योंकि वही बात है इकट्ठी क्लास होती है लड़के भी लड़कियाँ भी तो एक दफ़ा एक बैच ने ना अपने प्रिंसिपल से जाके कहा कि हम एक दो टॉपिक्स अलग से पढ़ना चाह रहे हैं डॉक्टर कमल से उसमें कोई बॉयज़ ना आए तो उन्होंने अरेंज कर दिया उनका लेक्चर अब उसमें जाहिर है देवर नो बॉयज तो आई वॉज लाइक मोर ओपनली इंटरक्टिंग विद गर्ल्स ना तो बाद में लड़कियों ने मुझे कहा कि हमें बहुत डिफरेंट लगी हैं आज आप बात करते हुए तो मैंने कहा ऑब्वियसली यू नो कोई भी लड़का नहीं था तो मैं ज़्यादा खुल के लतीफे सुना रही थी फिर मैंने निकाब नहीं लिया हुआ था ज्यादा ओपन एग्जाम्पल्स दे रही थी ताकि उनको अच्छी तरह समझ आए उस तरह मैं थोड़ा सा ढकी छुपी सी बात कर लेती हूँ तो दे इन्जॉयड द सेशन तो उनको वो थोड़ा सा फ्लेवर भी देना होता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है तो मैं ये जरूर करती हूँ जैसे मेरे इर्द गिर्द भी माहौल में जहां पर भी ऐसी गैदरिंग्स होती हैं जिनमें मेल फीमेल होते हैं मैं कोशिश करती हूँ कि कैलकुलेटेड तरीके से मैं अभी भी उनका हिस्सा बनूँ और उसके बाद क्या होता है कि मैं उन फीमेल्स को कहीं ना कहीं जरूर इंगेज करती हूँ जहां इट्स ऑल फीमेल्स उनको कहीं खाने पे बुला लिया चाय पे बुला लिया वैसे गपशप लगाई वैसे उनसे मिले तो वेन दे सी यू वन टू वन एज अ वेरी फन पर्सन और जब वो देखते हैं कि हाँ मर्दों के सामने ये कैलकुलेटेड है तो वो फिर आपको खुद ब खुद स्पेस देना शुरू कर देते हैं ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूटी आवर्स कोई इमरजेंसी या सर्जरी के दौरान अक्सर नमाजें कजा हो जाती हैं और इंसान मोटिवेशन लूज कर देता है और बहुत गिल्ट होता है कि वी आर नॉट मैनेजिंग दीन एंड दुनिया हाउ टू कोप विद दैट ये डॉक्टर्स के लिए काफी मुश्किल टाइम होता है क्योंकि आप कई दफ़ा बैठे होते हैं मेरे साथ अभी तक क्लिनिक में हो जाता है और मैं सोचती हूँ अच्छा अभी जैसे कई दफ़ा होता है कि मुझे वो बताते हैं कि जिस सजेरियन होने वाला है और अभी आपको थिएटर में बुलाएंगे अब मैं इंतज़ार कर रही इंतजार कर रही करी क्योंकि मुझे बेबी को रिसीव करना होता है नमाज का वक्त गुजर रहा होता है मुझे होता है कि अच्छा मैं ऑपरेशन थिएटर से वापस आकर तो फिर अपनी जहर पढ़ लेती हूँ अच्छा मैं वेट करती रहती हूँ और वो कई दफ़ा होता है बस जी अभी आ रहे हैं बस जी अभी कंसल्टेंट आ रहे हैं अभी जी नस्तीजिया वाला नहीं आया अच्छा जी अभी जरा पेशेंट का ये देखना पड़ गया वो लेट हो गया अब मुझे ये पता होता है कि ठीक है ये मैंने खुद तो नहीं किया ना ये तो अल्लाह की तरफ से हो गया अब मैं ज़ाहिर है उस वक्त मुझे ड्यूटी पर जाना था तो मैंने इसलिए डिले किया तो आपने देखना है कि कहाँ पर जैन डिलेज हैं और कहाँ पर आपकी अपनी कोई प्रोक्रेस्टिनेशन है कई दफ़ा ऐसे भी होता है मैं सोचती हूँ अच्छा अभी पढ़ लेती हूँ अभी तो बड़ा टाइम है और तब कोई पेशेंट नहीं था मैंने नहीं पढ़ी वक्त नमाज का एंटर हो चुका था और फिर क्या हुआ कि वो फिर पेशेंट पे पेशेंट आना शुरू हो गए फिर मेरी नमाज डिले होगी तो मुझे साफ समझ आ जाती है कि मैंने क्यों नहीं पहले अव्वल वक्त में पढ़ी तो मैं अपने आप को बार बार मैसेज देती हूँ कि जब मैं काम पर हूं तो मैंने अव्वल वक्त में वैसे तो हर वक्त ये होना चाहिए लेकिन काम पे स्पेशली जब मैं अव्वल वक्त में फारिग हूँ ना तो मैंने नमाज पढ़ लेनी है और नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने बाकी काम देखने हैं लेकिन कई दफ़ा आप बिजी होते हैं आपके स्केजल्स ऐसे होते हैं कि आपकी नमाज डिले होती है तो वो हमारे अल्लाह को हमारे रब को पता है ना कि इस वक्त अगर आप ऑपरेशन थिएटर में है या इमरजेंसी में है तो आपको इसी तरह से करना होगा कई दफ़ा तो आपके साथ कवरेज होती है तो आप उसके साथ पहले से प्लान कर लेते हैं कि भाई इस वक्त मैंने नमाज पढ़नी है इस वक्त तुमने पढ़नी है कई दफ़ा आपके साथ कोई नहीं होता तो फिर आपको क्या करना होता है आपको फिर ऑबियसली uh, मिला के पढ़नी होती है या डिले करनी होती है हमारी जॉब की नेचर जो है ना उसको अंडरस्टैंड बस करना है तो उससे फिर आपको वो गिल्ट भी खत्म होगा प्लस अगर आप कुरान स्टूडेंट होंगे ना तो ये जब कभी कभार इरेगुलरिटी आएगी ना तो ये आपको हर वक्त वापस नॉर्म पे बेसिक पे ले आएगी आप दोबारा से यू नो यू विल

सबसे पहले तो इसमें सेल्फ केयर होती है जब तक आपकी सेल्फ केयर अच्छी नहीं है और इसका ड्यूटी से काम से कोई ताल्लुक नहीं है इसका अपनी पर्सनैलिटी से ताल्लुक है ये तो मैंने अब पढ़ा ना जब मैंने लाइफस्टाइल मेडिसिन पढ़ी कि आपको नाश्ता नहीं छोड़ना ब्रेकफास्ट नहीं छोड़ना उसको टाइम पे करना है लेकिन मुझे याद है कि जब मैं हाउस जॉब करती थी तो मेरे सारे कुलीग सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे क्योंकि जिस दिन मेरी ड्यूटी होती थी नाइट ड्यूटी होती थी तो सुबह को भी जिसकी नाइट ड्यूटी है उसने राउंड करवाना होता था कंसल्टेंट को और सारी प्रोग्रेस भी देनी होती थी तो कई लोग ये करते थे जो और भी मेरे साथ दो तीन मेरे कोलीग्स होते थे हम राउंड करवाते थे राउंड करवाने के बाद ज़ाहिर है वो अगले ऑर्डर्स मिल चुके होते थे और पेशेंट्स एडमिट हो रहे होते थे तो सब लोग अपने अपने कामों में लग जाते थे लेकिन मैं क्या करती थी मैं अपनी जो रजिस्ट्रार के पास या जो सीनियर जो भी होते थे एच हो उनके पास जाती थी और कहती थी कि मैं अभी थर्टी मिनट्स की ब्रेक ले रही हूँ और मैं तब तक कोई भी मेरे पेशेंट्स को कवरेज दे दे मैं जाती थी जैसा मर्जी भी वहां पे होली फैमिली हॉस्पिटल में मैं जॉब करी थी उसमें पीडियाट्रिक्स में गंदा मंदा जो भी होता था वो नाश्ता जरूर करती थी और नाश्ता करके दस मिनट अपने आप को सेटल करके एनर्जाइज होकर वापस आती थी काम करने के लिए और बाकी लोगों को मैं देखती थी भूखे ना पानी पिया ना खाना खाया कुछ नहीं ऐसा अपनी केयर कर रहे तो जब इंसान अपनी सेल्फ केयर को कम कर देता है ना तो आपके स्किल्स भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है आपको इरिटेबिलिटी ज्यादा शुरू हो जाती है आप सड़ियल किस्म के डॉक्टर बनना शुरू हो जाते हैं सेल्फ केयर बहुत करें इसी तरह अपने आप को फ्रेश रखें अच्छी तरह तैयार हों अपने प्रोफेशन को इंजॉय करें कुलीग्स को इंजॉय करें पेशेंट्स के साथ घुल मिल के बैठें उनको अच्छी अच्छी बातें बताएं आ, यही सारे आपके स्किल बिल्डर्स हो जाते हैं अच्छी हेल्दी रीडिंग करें मैंने आपको कहा है ना कि इतने बिजी हेक्टिक स्केड्यूल के साथ जरा सा अपना स्क्रीन टाइम खोल के देख लें कितना है और वो वाला स्क्रीन टाइम जो है ना अपनी लर्निंग एंड ग्रूमिंग पे लगा दें तो आपको फायदा ही होगा जी मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉलेजेस हैं उनमें अक्सर पार्टीज वगैरह होती हैं और कॉन्सर्ट होते हैं जिनके लिए डोनेशन वो लोग इकट्ठी करते हैं तो इस सिलसिले में हमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहिए और अगर आप कंट्रीब्यूट नहीं करते तो आप थोड़ा प्रॉमिडेंट हो जाते हो आपको अपोजिट जेंडर के साथ इंटरेक्ट भी करना पड़ जाता है तो इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए नहीं आप बिल्कुल कंट्रीब्यूट ना करें हराम की चीज़ों में क्यों कंट्रीब्यूट करेंगे मेरे सामने भी लोग इस तरह की कोई बातें कर रहे होते हैं मैं तो बिल्कुल कहीं भी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती मैं सिर्फ हलाल में देती हूँ मैं उनको कह देती हूँ कि नहीं आई एम आई डोंट फील जस्टिफाइड कि मैं इस इवेंट के लिए आपको दूँ uh, कोई भी चैरिटी जो करनी होगी मैं पेशेंट्स को दूँगी मैं इधर करूँगी मैं उन कामों में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दूँगी बी फॉर्म ऑन दिस प्रेशराइज भी कभी कभार किया जाता है इस पर कि नहीं, नहीं आपने नहीं, कंट्रीब्यूट करना ही है, नहीं तो ये तो तो रूल है 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 और और ये वो है। आप कहें रूल को नहीं मानती ये कोई जेनुअन रूल नहीं है आप मुझे प्रेशराइज ना करें ये मेरी अपनी एक पर्सनल एक एक जिसे कहते हैं बाउंड्री है आई वुड वांट यू टू रिस्पेक्ट इट अब वहाँ पे आपको सर्टिव थोड़ा सा होना पड़ेगा जहाँ बातचीत और इंटरेक्शन की बात है वो तो हम पर्दे में कर सकते हैं लेकिन जो ओटीज वगैरह में पर्दा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ड्रेसेस या स्क्रब्स उसमें फिर क्या किया जाए अब देखिए अगर आप पर्दा ऑब्जर्विंग है तो आप पूरा वो एक बना लेना अपना प्रॉपर कवरिंग के साथ पूरा स्क्रब बना लें आप देखिए अल्टीमेटली जो होता है हम जो पहनते हैं वहाँ पे अंदर वो शर्ट और वो पहनते हैं लोग हाफ स्लीव पहनते हैं लेकिन उसके ऊपर जो स्क्रब होता है वो तो हमें बहुत ज्यादा कवर करता है बल्कि मुझे हंसी एक बात पे आती होती है कि जो लोग निकाब के इतने खिलाफ हैं वो तो ओटी में निकाब पहन के खड़े होते हैं हेड भी पूरा कवर होता है बाल भी नजर नहीं आना चाहिए वो तो हमारे तरह के ड्रेसअप पहन रहे हैं ना सिर्फ आपको स्टेरलाइज ड्रेस चाहिए होता है तो आप एक स्टेलाइज ड्रेस रख लें जैसे आप देखिये बाहर जो लेडीज होती है बुरके वाली वो जब करना चाहती है स्विमिंग तो उनके जो कॉस्ट्यूम है बुरकीनी वो पूरे हेड कवरिंग वाले कॉस्ट्यूम उनके निकले हुए लूज शर्ट टाइप निकले हुए So where there is a will, there is always a way. जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने जिस तरह बताया कि मजबूरी के तौर पे ऑपोजिट जेंडर को एग्जामिन और ट्रीट हम लोग कर सकते हैं तो लर्निंग पर्पजेज के लिए जैसे हम अक्सर वार्ड्स वगैरह में जाते हैं तब मजबूरी नहीं होती सिर्फ लर्निंग पर्पजेज के लिए हम वार्ड्स में जाते हैं तो गायनी वार्ड है जैसे वहां पर अक्सर लोग जो फीमेल तो उनका सतर एक्सपोज हो रहा होता है तो क्या इस तरह लर्निंग पर्पज के लिए हम लोग एग्जामिन वगैरह और ट्रीट कर सकते हैं पेशेंट्स को नहीं मैंने मजबूरी नहीं खाली का लर्निंग पर्पज है वो कहते हैं लर्निंग पर्पज के लिए आप ये कर सकते हैं वाइवा जब देते हैं तो कभी कभी आपके जो एग्जामिनर हैं वो अकेले होते हैं और आपको अंदर जाना पड़ता है रूम में जब कोई और फीमेल अवेलेबल नहीं होती तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए आपको देखिए आइडियल तो ये होता है कि जब हमारा एग्जामिनर कर रहा हो तो हम किसी ने पहले से ही ना हमारे उधर जो रजिस्ट्रार होते हैं जो और सीनियर्स होते हैं हम उनमें से किसी को कहेंगे आई वुड रिक्वेस्ट यू टू बी अराउंड जब मेरा वाइवा हो ना तो हम ये बात कह सकते हैं दूसरा ये कि फर्ज करें किसी वजह से फिर भी उनको आना जाना पड़ जाता है तो वो ओवरऑल ओपन जगह ही होती है थोड़ी देर के लिए वो ऐसा कोई सिक्लूजन नहीं है आपसे कोई वो रोमांटिक बात नहीं कर सकते वो आपका वाइवा ले रहे हैं यानी आप थोड़ा सा ना सिनेरियो को भी अंडरस्टैंड करें और अगर वो अकेले बैठे भी हुए हैं थोड़ी देर के लिए तो कोई ना कोई आता जाता रहेगा सबको पता है वहां पर कोई दरवाजा लॉक नहीं करेगा कोई आपको एक्सटेंडेड टाइम के लिए नहीं वहां बिठाएगा और अगर आपको कोई भी ऐसी अनकम्फर्टेबल फीलिंग आती है तो आप कह सकते हैं कि जी Um, पार्टिसिपेट uh, हाँ कर सकती है लेकिन लड़के ना देखने के लिए आए औरतों का सतर जो है वो प्रॉपर कवर हुआ हुआ और वो ऐसी स्पोर्ट्स हों जो के आपको फिजिकली मेंटली हर तरह से फिट करती हूँ और आपको इतना ज्यादा इनग्रॉस अपने अंदर ना करें कि आपकी इबादत रह जाए या आपके जो बेसिक प्रायोरिटीज ऑफ लाइफ हैं वो पीछे रह जाए मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट ओके टू चूज टू गो टू फॉरेन कंट्री अलोन फॉर अ गर्ल फॉर स्टडीज एंड जॉब ओवर गेटिंग मैरिड नो उलमा इस पे मामले में बहुत क्लियर है और वो कहते हैं कि बिल्कुल इजाजत नहीं है और मैं भी इसी पे रहती हूँ कि इसकी इजाजत नहीं है जो ये काम करेगा वो गलत करेगा मैम क्वेश्चन है कि मिक्स ट्रिप्स पर जाना चाहिए इवन अगर आपका गर्ल्स ग्रुप अलग हो और आप मेल से इंटरेक्ट ना करें क्या ये परमिसेबल है इस कंडीशन ये भी डिपेंड करता है मुझे अपना याद है मैं मेडिकल कॉलेज में थी हम किसी भी ट्रिप पे नहीं जाते थे मुझे इतने बोरिंग ट्रिप्स लगते थे उस वक्त तक तो मैंने कुरान नहीं पढ़ा हुआ था बस मुझे मज़ा ही नहीं आता था फिर मुझे याद है जब हमारा लास्ट ट्रिप था जो फाइनल ईयर में हमारा था मेरा पूरा ग्रुप ही नहीं जाता था हम बल्कि क्या किया करते थे जब सारी क्लास की जाती थी तो हम सब फ्रेंड्स मिलके किसी एक के घर में सारा दिन पार्टी बनाते थे हम कहते थे वी एन्जॉय आवर फ्रेंड्स टुगेदर सो मच कि वहां जाने के बजाय हम आपस में इन्जॉय कर लें फिर हमारी क्लास के सब जो लड़के थे उन्होंने हमारे जो हमारा ग्रुप स्पेशली था हम आठ दस लड़कियां थी तो हमें स्पेशली रिक्वेस्ट की कि देखें ये हमारा लास्ट ईयर है आप लोग अक्सर नहीं आते और भी कुछ लड़कियों के ग्रुप्स थे जो नहीं जाते थे तो उन सबको कहा कि आप लोग प्लीज आइंस इसलिए कि फिर इसके बाद तो हम सब डिस्पर्स हो जाएंगे तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो चले जाते हैं लेकिन तब भी ये नहीं था कि हम कोई लड़कों के साथ ही ज्यादा बैठ रहे थे हम अपने आप गर्ल्स जो थे हम अपनी एक्टिविटीज कर रहे थे प्लस साथ जाने वालों में, में मेल टीचर्स भी थे फीमेल भी थी तो वी वर हैंगिंग आउट विद फीमेल टीचर्स ज्यादा तो ये डिपेंड करता है अगर आपको लगता है कि ज्यादा लड़के लगता है कि वो बहुत फिर एक अप्रोप्रियट एटमोसफियर नहीं बनाते तो ना जाए कोई आप पे रोक टोक तो नहीं कर सकता ये तो हमारे अपने अंदर की गिल्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि नहीं बुरा लगेगा और ऐसे नहीं होना चाहिए तुम ये करो तुम वो ना करो लेकिन अगर आप डिसाइड करते हैं तो कोई आपको रोक तो नहीं सकता क्वेश्चन है कि अक्सर सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको डिसाइसिव होना पड़ता है और आप को समझ नहीं आ रहा होता कि आप क्या करें तो इस सिचुएशन में सही रास्ते की तरफ डिसीजन लेने के लिए आपके लिए कोई दुआ या कोई वजीफा है इसके लिए पहली बात तो ये कि जब भी आपने कोई फैसला करना होता है ना तो पहले जैसे कहते हैं ना जो डिसीजन मेकिंग के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करना चाहिए जिसमें एक ये बहुत बड़ा प्रिंसिपल होता है कि स्टेक होल्डर्स को देखना है कि वो लोग जो आपके उस फैसले से अफेक्ट होंगे आपने इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं करनी है, कि जल्द अज जल्द मुझे नतीजा मिले लॉन्ग टर्म में देखना है कि इस डिसीजन का इम्पेक्ट क्या होगा फिर आपकी इंट्रूशन सिक्स आपको क्या कहती है फिर इसके अलावा यह कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी कैसी है आप ये फैसला किस बुनियाद पर करें देर मल्टीपल थिंग्स टू लुक इन टू फिर मशवरा लेना चाहिए अपने इदिद ऐसे लोगों से उनसे प्रोज एंड कॉन्स पूछ के मशवरा लेना चाहिए कि अगर मैं ये फैसला करती हूँ तो इसका फायदा इसका नुकसान अगर मैं ये फैसला करती हूँ इसका फायदा इसका नुकसान फिर वहां से कोई एक निचोड़ निकालना चाहिए और उसपे फिर इस्तखारा करना चाहिए और फिर इस्तखारे के मुताबिक फिर आपको पता चलता है कि अच्छा और इस्तखारा ये नहीं कि आपको कोई ख्वाब आएगा इस्तखारा कि आप इस्तखारे की दुआ की ट्रांसलेशन भी पढ़ें कि हम उसमें कहते हैं कि अल्लाह ताला अगर इस काम मामले में कोई खैर और बरकत है तो इसको मेरे लिए आसान बना दे अगर इसमें कोई मुश्किल है तो फिर मुझे इस रास्ते से हटा दे तो वो कोई ना कोई आपके लिए ऐसी डायरेक्शन बन जाती है या आपका दिल चाहता है या आपका दिल नहीं चाहता और उस तरह से आप फैसला कर लेते हैं तो इस तरह से ये सारे जो मसले हैं ना उसको देखना चाहिए और जब आप एक फैसला कर ले तो फिर उस पर बहुत ज़्यादा वो नहीं होना चाहिए इफ़ी नहीं होना चाहिए कि आई डोंट नो वैदर आई टू द रॉन्ग राइट डिसीजन और नॉट बस नाउ दैट यू हैव डिसाइडेड नाउ यू गिव इट योर बेस्ट शॉट बस बहुत शुक्रिया मैम आपने हमें टाइम दिया और ये सेशन माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा हमारी फैकल्टी मेम्बर्स भी हमारे साथ थे तो सबने बहुत किया इवन अभी भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत जबरदस्त सेशन रहे और सबके क्वेश्चंस भी आंसर हो गए मैम क्लोजिंग में आप कुछ कहना चाहेंगी तो आप कह दें इसके बाद फिर हम सेशन बंद करते हैं माशाल्लाह आपकी पूरी टीम को अप्रीशियेट करी थी कि कि यू हैड बीन आफ्टर मी ये सेशन हम करें फॉर वन रीजन और द अदर बहुत एफर्ट्स के बावजूद ये इन पर्सन नहीं हो सका तो आप लोगों ने देखे यू वेंट फॉर द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन की कोई बात नहीं हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं दिस इज द पॉजिटिविटी आई एक्सपेक्ट फ्राम एवरी वन जो कि दीन का काम कर रहा हो कि अगर एक रास्ते से काम नहीं होता तो हम दूसरा रास्ता निकाल लेंगे हम तीसरा रास्ता निकाल लेंगे कुछ ना कुछ हम जरूर करेंगे मेरा बस आपको यही मैसेज है कि एक बैलेंस लेकर आए अपनी लाइफ में कुरान को थामें जब आप कुरान को थामेंगे तो आप देखेंगे कि इन आपके लिए बहुत से मसले मसाइल जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाते हैं आपको वो मुश्किल नहीं आएंगी जो आप अदरवाइज देखते हैं और वो मुश्किल जो आएंगी आपको उसके लिए सोलूशन भी मिलना शुरू हो जाएंगे जजाकला सब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया इस सेशन में سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته